नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं सिबोरियक डर्मेटाइटिस, सिबोरिया या आम बोलचाल की भाषा में जिस कंडीशन को कहते हैं डैंड्रफ। हम आज डैंड्रफ के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। ये जो सिबोरियक डर्मेटाइटिस है, लगभग 5 से 7% लोगों को तकलीफ देती है। ये रोग पुरुषों में अधिक पाया जाता है और इसके लक्षण से हम सब परिचित हैं। हल्के पपड़ियां जो वाइट और हल्का सा पीलापन लिए होती है, ये बनती है, और इन पपड़ियों के साथ हल्की खुजली होती है। जहां पे सिबोरियक डर्मेटाइटिस हो जाएगी वो एरिया कंपैरेटिवली रेड होगा। खुजली करने के बाद जलन होती है। सिबोरिया मोस्ट ऑफ द टाइम्स मौसम बदलने के समय, सर्दी के समय अधिक प्रभावित करता है। पुरुषों में ये तकलीफ ज़्यादा होती है महिलाओं की तुलना में, और पुरुषों में ज्यादा होने की वजह है उनका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये रोग लगभग 20-25 साल की उम्र से लेकर के 50 साल तक के लोगों को ही ज्यादा होता है, उससे कम या उससे अधिक लोगों में पाया तो जाता है लेकिन ये कम पाया जाता है। सिबोरियक डर्मेटाइटिस, डेंड्रफ, इनमें अंतर क्या है? हम इसको डेंड्रफ ही क्यों नहीं कह देंगे? जब ये रोग केवल सिर तक यानी कि स्कैल्प तक सीमित है और पपड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है तो हम इसको डैंड्रफ कहेंगे, लेकिन जैसे ही ये अन्य अंगों तक फैल जाती है तब हम इसको सिबोरियक डर्मेटाइटिस या सिबोरिया कहेंगे। इसकी खास पहचान जो है ना, वो इसका कहां पे होना, यही है। ये जो सिबोरिक डर्मेटाइटिस है, फेस पे और खास करके नाक के फोल्ड पे पपड़ियां बनती हैं, कानों के पीछे पपड़ियां बनती है, छाती के सामने के हिस्से में सिबोरिया होता है, और कभी कभी तो ये आई लैशेज यानी कि आंखों की पलकों के ऊपर भी पपड़ियां बनना शुरू हो जाती है। ये रोग इन्हीं अंगों में क्यों है? ये रोग इन अंगों में होने की वजह है सिबेसिस ग्लैंड्स का इन अंगों में होना। सिबेसिस ग्लैंड्स ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होती हैं, जो सिर में, फेस पे और फोल्ड्स पे भी होती है। बगल और ग्रोइन रीजन में भी सिबेसिस ग्लैंड्स ज्यादा होती हैं। सिबोरियक डर्मेटाइटिस वहां भी पाई जाती है, लेकिन जब फोल्ड्स में होती है तो स्केलिंग या पपड़ियां ज्यादा नहीं होती, केवल रेडनेस और खुजली वहां पे होती है। छोटी उम्र के बच्चे लगभग 2 से 4 महीने से लेकर के और कभी कभी 2 साल तक के बच्चों के सिर में भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। इस कंडीशन में इसको क्रेडल स्कैप कहते हैं। उन बच्चों को इसकी वजह से कोई ज्यादा खुजली आएगी ऐसा नहीं होगा। बच्चा एसिम्प्टोमेटिक यानी कि बिना तकलीफ के रह सकता है, लेकिन सिर पे छोटे छोटे दाने और उनके साथ में येलोइश वाइट कलर की पपड़ी उनके रहती है स्कैल्प के टॉप पे, और ये अपने आप चली जाती है 6-7 महीने की उम्र में, या कभी कभी किसी को 2-3 साल तक की उम्र तक भी रह जाती है। छोटी उम्र के बच्चों में आपने डायपर रैशेज देखे होंगे। ये डायपर रैशेज भी इन्हीं सिबोरियक डर्मेटाइटिस या यूं कहो कि क्रेडल कैप वाले बच्चों को ही अधिकांशतः होते हैं। इस रोग का कोई निश्चित कारण अब तक ज्ञात नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये पुरुषों में अधिक पाया जाता है और वो भी 20 से 25 साल की उम्र से लेकर के 40-50 साल तक की उम्र में ये ज्यादा होता है, उसके बाद या पहले भी होता है लेकिन चांसेस कम हो जाते हैं। महिलाओं में ये रोग कम होता है, ये खुजली नहीं होती है। जिन लोगों को कोई और रोग है
खास करके एचआईवी, एचआईवी के पेशेंट्स में कभी कभी सिबोरियक डर्मेटाइटिस एक पहला लक्षण है ऐसा मिलता है, और जिनको पार्किंसंस डिजीज है उनको भी ऐसा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर एल्कोहलिक पर्सन है उनको भी सिबोरिक डर्मेटाइटिस होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। जिन लोगों को एटोपिक डर्मेटाइटिस है उन लोगों को भी ये सिबोरिक डर्मेटाइटिस होने के चांसेस अधिक होते हैं। तो ओवरऑल बात यह है कि ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स यानी कि सीबेसियस ग्लैंड्स का ओवर एक्टिवेशन होने पर हमारे स्कैल्प में या जहां भी सिबोरियक डर्मेटाइटिस है वहां पे वो सीबम कलेक्ट हो जाता है और उसके ड्राई हो जाने पर वो फ्लेक्स के रूप में अर्थात पपड़ियों के रूप में हमें नजर आता है। इसको ही अपन सिबोरियक डर्मेटाइटिस कह रहे हैं। सिबोरियक डर्मेटाइटिस को कुछ लोग ये फंगल इन्फेक्शन की वजह से है ऐसा मानते हैं, लेकिन इसको अगर सही रूप में कहा जाए तो ये फंगल इन्फेक्शन नहीं है, ये एक तरह का यीस्ट इन्फेक्शन है, और इस यीस्ट का नाम है मेलासेजिया। ये यीस्ट जो है ये इसका कारण बनता है। फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यानी कि जिन परिवारों में माँ बाप बहन भाई किसी को सिबोरियक डर्मेटाइटिस है तो उस परिवार के दूसरे सदस्यों को इस कंडीशन के होने के चांसेस अधिक रहते हैं। जब वातावरण में नमी कम रहती है यानी कि लो ह्यूमिडिटी और लो टेम्परेचर इसकी एक वजह है जहां ये प्रेसिपिटेट हो जाता है यानी कि अधिक नजर आता है। इसकी वजह से आपने देखा ना कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ऐसा नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति को ये कंडीशन है शेविंग करने के बाद में चेहरे पे सूखे और लाल रंग के धब्बे वाइट पैचेस नजर आते हैं उसके लिए बहुत ही एम्बारसिंग होता है, यानी कि उसका आत्मसम्मान उससे कम होता है और लगता ये है कि ये व्यक्ति अपने हाइजीन का ध्यान नहीं रखता, लेकिन हाइजीन से इस रोग का कोई वास्ता नहीं है। अच्छी बात यह है कि ये रोग कॉन्टेजियस भी नहीं है, यानी कि अगर किसी को है तो उसके फैमिली के बाकी लोग या साथ में रहने वाले लोगों को छूने वगैरह से वो नहीं फैलता है, नॉन कॉन्टेजियस इलनेस है। ये रोग एलर्जी भी नहीं है जिसको हम एलर्जी कहेंगे, क्योंकि एटोपिक के लोगों को ये रोग ज्यादा होता है लेकिन ये एलर्जी नहीं है। इससे मिलती जुलती दो एक कंडीशंस हैं जिसके साथ इसको डिफरेंशिएट कर लेना अच्छा रहेगा। सबसे कॉमन है सोराइसिस। सोराइसिस में पपड़ियों का रंग अधिक व्हाइट होता है, वो स्कैल्प में और एक्सटेंसर सरफेसेस में यानी कि बाजू के ये वाले हिस्से में ये ज्यादा होता है, बैक पे अधिक होता है, और इसकी पपड़ी को रिमूव करने के बाद में एक बिल्कुल ही टाइनी छोटा सा ब्लीडिंग सरफेस पीछे छूटता है। इसमें बहुत अधिक खुजली भी नहीं होती है, हालांकि बढ़ता सोरेसिस भी विंटर्स में ही ज्यादा है। एक्जिमा भी इससे डिफरेंट है। एक्जिमा स्किन की जो सबसे ऊपर की लेयर है उसकी इन्फ्लामेशन है जिसमें छोटे छोटे दाने और उन दानों में बिल्कुल पतला सा पानी निकलना, खुजली ज्यादा होना होता है, और उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया है ये टिपिकली अलग होता है, जहां कोई कॉन्टेक्ट हो रहा है, जहां एलर्जी हो रही है कोई चीज को यूज करने से, कोई ऐसे ऑर्नामेंट पहनने से वहां अधिक होता है, या फिर वो एटोपिक डर्मेटाइटिस है तो पूरी बॉडी पे है तो उसको डॉक्टर आसानी से पहचान लेते हैं। फंगल इन्फेक्शन भी इससे अलग है। फंगल इन्फेक्शन में जहां पे मार्जिन्स बहुत ही क्लियर बाउंड्री होती है, गोल चकते होते हैं, जबकि सिबोरियक डर्मेटाइटिस की जो बाउंड्रीज हैं वो वेल डिफाइंड नहीं होती है, यानी कि बाउंड्रीज के किनारे अस्पष्ट दिखते हैं। ये एक महत्वपूर्ण अंतर है फंगल इन्फेक्शन यानी कि रिंग वर्म से इस कंडीशन का। मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग
इस सिबोरिक डर्मेटाइटिस को इग्नोर करते हैं और ये समझ लेते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी ही गलती है, हम अपने साफ सफाई हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं, तब ये है। ऐसा नहीं है, ये रोग है। आपको अपने इस रोग को समझना है, स्वीकारना है और अच्छे से मैनेज करना है। मैनेज करके आप अपने आत्मविश्वास को बना के रखें, रोग को बहुत ज्यादा बढ़ने भी ना दें, क्योंकि जब ज्यादा हो जाएगा तो खुजली भी बढ़ेगी, एरिया भी बढ़ जाएगा, फ्लेक्स भी बहुत मोटी पपड़ियां बन सकती हैं और अधिक हो जाने पर इन पपड़ियों के नीचे इन्फेक्शन हो जाएगा, सेप्टिक कंडीशंस हो जाती हैं, उससे आपको बचना है। ज्यादा खुजली हो जाने से ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो रोग है, इलाज होना चाहिए, इग्नोर तो कतई नहीं किया जाना चाहिए। इलाज के रूप में एलोपैथिक सिस्टम जहां पे केवल इस बात पे फोकस्ड है कि इसकी सफाई कर दी जाए, तरह तरह के शैम्पूज हैं जिसमें सैलिसिलिक एसिड, केटाकोनाजोल के शैम्पू या कभी कभी डॉक्टर्स स्टेरॉइड्स भी देते हैं, कुछ फोटोथेरेपी भी इसकी की जाती है जिनसे टेम्परेरी रिलीफ ही मिलता है। ये लोग मानते हैं, इनकी बुक्स में लिखा हुआ है कि ये रोग स्थायी रूप से ठीक नहीं किया जा सकता, रोगी को इसके साथ ही जीना है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप अपने इस रोग को अच्छे से मैनेज कर सकते हो और ठीक भी कर सकते हो। जो जो कारण है उन सब कारण के ऊपर एक एक करके काम करेंगे तो ये रोग जा भी सकता है। एलोपैथी के डॉक्टर जहां पे कभी कभी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सप्रेस करने के ट्रीटमेंट भी देते हैं, इसकी मैनेजमेंट के रूप में ऑफ कोर्स अपने साफ सफाई का ध्यान रखना आवश्यक है, उससे फायदा रहेगा, पपड़ियां कम रहेगी। आप अगर हफ्ते में कम से कम भी 2 बार शैम्पू करेंगे अपने बालों को तो अच्छा रहेगा। आप बालों को छोटा भी रखें, बालों को साफ सुथरा रखें, धूल मिट्टी से बचा के रखें तो अच्छा रहेगा। हालांकि ये डिजीज इटसेल्फ एक ऑयल ग्लैंड की इलनेस है और ऑयल उन लोगों में ज्यादा प्रोड्यूस होता है, लेकिन तब भी मस्टर्ड ऑयल इन जगहों पे लोकल अप्लाई करने से काफी अच्छा रहता है, क्योंकि सरसों के तेल में नेचुरली सल्फर होता है और सल्फर हमारी स्किन की हेल्थ के लिए काफी लाभदायक होता है, खास करके ग्रोइन रीजन में और स्किन के फोल्ड वाले जो भी लीजन्स हैं, जो इरप्शंस हैं, वहां पे आप मस्टर्ड ऑयल की एप्लीकेशन करके अपनी कंडीशन को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। आप नहाने का पानी बहुत गर्म ना यूज करें सर्दी के मौसम में, और ज्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। पानी नॉर्मल वार्म वाटर से आपको अपने सिर और बॉडी को वॉश करना चाहिए, नहाना चाहिए। जितने भी स्टाइलिश प्रोडक्ट है उनसे बचना चाहिए, क्योंकि न जाने क्या चीज आपकी स्किन पे कैसा रिएक्शन कर दे। तो स्टाइलिश प्रोडक्ट जो है वो आपके स्किन के जो नॉर्मल वेंटिलेशन है उसको भी डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए स्टाइलिश प्रोडक्ट से बचना चाहिए। स्ट्रेस इस रोग का एक मुख्य कारण बताया गया है, क्योंकि ये रोग अडल्ट लोगों में शुरू होता है और अडल्ट एज और खास करके अडल्ट मेल्स की लाइफ में स्ट्रेस बहुत होता है। ये देखा गया है कि अगर हम अपने स्ट्रेस को कंट्रोल रखें, मैनेज रखें, तो ये चीज काफी हद तक कंट्रोल रहती है। अपनी स्किन की जनरल हेल्थ के लिए, जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपकी डाइट अच्छी है, आपकी डाइट में हरी सब्जियां, फ्रूट, सैलेड के रूप में पर्याप्त रूप से एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन ए अगर आपके फूड में है, विटामिन डी आप लेते हैं सूरज की धूप में बैठ के, और विटामिन B6, B7 भी इसके लिए लाभदायक है। विटामिन ई के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी इसमें बहुत फायदा करते हैं। विटामिन ए भी स्किन के लिए काफी लाभदायक होता है। आप अपनी डाइट में इनके प्रोडक्ट्स को बराबर यूज करते रहें। मैं एक बात बताने से चूक गया था, वो ये है कि ये सिबोरिक डर्मेटाइटिस
हेयर फॉल का एक बहुत ही प्रमुख कारण है। काफी लोग जिनको बाल झड़ते हैं उनमें अत्यधिक डैंड्रफ या सेबोरिक डर्मेटाइटिस एक प्रमुख फैक्टर होता है। आइए अब बात करते हैं होम्योपैथिक इलाज के बारे में। होम्योपैथिक इलाज जिस तरह से बाकी सब स्किन के रोगों में बहुत ही लाभदायक है, इस सेबोरिक डर्मेटाइटिस या डैंड्रफ जैसी कंडीशंस में बहुत ही उपयोगी है, लाभदायक है। होम्योपैथी में जैसा आप जानते हैं इलाज करने का तरीका इस रोग में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रोग की प्रकृति, रोगी की प्रकृति और उसके सारे लक्षणों को मिलाकर के दवाई का चुनाव करना। मैं आपको बताने जा रहा हूं कौन कौन सी दवाइयां हम लोग यूज करते हैं बहुत अच्छे परिणामों के साथ में। इनमें है थूजा, काली सल्फ, पल्साटीला, सल्फर, हीपर सल्फ, बेलाडोना, ग्रेफाइट्स, कैंथारिस, काली म्यूर और बहुत सारी अन्य दवाइयां भी हम यूज करते हैं। तो आप भी अपने सेबोरिक डर्मेटाइटिस, डैंड्रफ या आपके बच्चों की क्रेडल कैप की कंडीशन को इन सब तरीकों से बेटर मैनेज कर सकते हो और होम्योपैथिक इलाज से आप सदा के लिए इस रोग से मुक्त हो सकते हो और मुक्त होने पर आपके बाल ठीक रहेंगे, आपका आत्मविश्वास अच्छा रहेगा और रोज रोज की खुजली और परेशानी से मुक्त हो जाएंगे। आप सदा खुश रहें, आप निरोग रहें, आपकी उम्र लंबी हो। मैं डॉक्टर ए के लाडूना आपके अच्छे जीवन की कामना करता हूं। धन्यवाद।